कि बीजेपी को कंपटीशन करना है। हम लोग सरकार बचाना नहीं चाहेंगे, सरकार बचा के कुछ हासिल नहीं करना चाह रहे, और उनके खातों में पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। टारगेट दिया था उससे ज्यादा हमने डिलीवर किया, और इस बार थोड़ा सा उल्टा है, कहना अच्छा नहीं लगता, कि बीजेपी को कंपटीशन करना है। लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया जी, हम लोग सरकार बचाना नहीं चाहेंगे, हम लोग काम करना चाहेंगे। काम का मौका हम लोग को सरकार बचा के कुछ हासिल नहीं करना चाह रहे, हम लोगों ने काम करने का मौका मिलने पे काम करके दिया, किसानों के लिए जो काम करके दिया। देश में कहीं किसानों के लिए इतना धान का भाव नहीं मिल रहा जो छत्तीसगढ़ में मिल रहा, गन्ने का भाव नहीं मिल रहा जहां जितना छत्तीसगढ़ में मिल रहा, मक्के का भाव नहीं मिल रहा जितना छत्तीसगढ़ में मिल रहा, तेंदुपत्ता वहां वनाच्छादित क्षेत्रों में तेंदुपत्ता की खरीदी होती है, वहां जो भाव है छत्तीसगढ़ में वो देश में कहीं नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखें तो एक अंतर आता था, नौकरियां चाहिए, नई पीढ़ी को नौकरियां चाहिए, तो अंग्रेजी में हमारे बच्चे अगर पीछे रहते थे तो नौकरियों में उनको बराबर का मौका नहीं मिलता था। बड़े पैमाने पे 750 से ज्यादा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूल सरकार ने खोले हैं, जो उच्च गुणवत्ता के पढ़ाई के माध्यम बने हुए हैं, और बहुत इसका अच्छा प्रभाव लोगों के बीच में है। तो शिक्षा के क्षेत्र में युवा पीढ़ी के लिए हम लोगों ने काम करके दिया। नौकरियां अगर उपलब्ध कराई तो बेरोजगारी भत्ता जितना पहले कभी नहीं मिलता था, 2500 रूपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। हाउसिंग एक मेजर इशू था, हाउसिंग में हम थोड़े से पीछे रह गए थे, आज 6,99,000 व्यक्तियों को जिनका पूर्व का हाउसिंग घर के लिए पैसा लंबित था उसको रिलीज किया। राहुल गांधी जी आए थे, 25,000 का किस्त उनके खातों में जा चुका है। और 2011-12 के आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण में जो घर छूट गए थे 47,000 ऐसे अन्य परिवारों के लिए हाउसिंग के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की, घर के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की, और उनके खातों में पैसे ट्रांसफर हो चुके। अतिरिक्त इसके 10 लाख लोगों का टारगेट सरकार ने रखा है कि 10 लाख परिवारों के लिए घर की व्यवस्था, जिनके पास कमरे, एक कमरे दो कमरे का घर है, अतिरिक्त उनके लिए हम आने वाले 5 साल में करने जा रहे हैं। तो ये उपलब्धियां हैं पिछले 5 साल की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो जितने डॉक्टर्स 18 साल में छत्तीसगढ़ में नहीं थे, ये सरकार को काम करने का मौका मिला उसके पहले, उससे ज्यादा डॉक्टर्स हमने उपलब्ध कराए। 350 करोड़ रुपया खर्चा होता था पब्लिक के स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पिछले वर्ष 1500 करोड़ रुपया उसमें खर्चा हुआ है, इस वर्ष वो 1800 करोड़ जाएगा। तो ये बड़ी राशियां पब्लिक के देखभाल के लिए सरकार ने दी है। कोरोना काल में जिस तरह से सरकार ने सफलतापूर्वक लोगों की रक्षा की, उन लोगों की सहायता की, निःशुल्क दवाइयां घर घर जाके पहुंचाई, अन्य व्यवस्थाएं की, आने वाले लोगों की देखभाल की, पंचायतों में, घरों में, गांवों में उनके रुकने की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, उपचार की व्यवस्था की, ये लोगों के जहन में उतरी हुई बातें हैं। तो कई हैं, मैं और बताऊंगा तो और कई बातें हैं। बिजली बिल के लिए हम लोगों ने कहा था न केवल गुणवत्तापूर्ण बिजली हम उपलब्ध करा रहे हैं, जीरो पावर कट स्टेट्स में है, कहीं कोई खराबी आई तो बिजली बंद हो बात अलग होती है, लेकिन पावर कट छत्तीसगढ़ में इन 5 सालों में नहीं हुआ। और उपार्जन के क्षेत्र में 1320 मेगावाट का नए 2 प्लांट शिलान्यास हो गया है, 7,700 मेगावाट के पंप स्टोरेज के माध्यम से, सोलर पंप स्टोरेज के माध्यम से 7,700 मेगावाट की योजना एमओयू की प्रक्रिया चल रही है। अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से काम किया, मितानिन है हमारी, आशा वर्कर्स हैं, उनकी लगातार मांग थी कि उनको जो पारिश्रमिक मिल रहा है वो कम है, तो उनकी उम्मीद से ज्यादा या उनकी उम्मीद से अनुरूप ये करीब 1.25 लाख से ज्यादा संख्या में बहने हैं जो काम करती हैं आंगनबाड़ियों में और आशा वर्कर मितानिन के रूप में काम करती हैं, उनके लिए इस सरकार ने उपलब्ध कराया। हम जो पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम, एक मांग थी कर्मचारियों की कि हमको ओल्ड पेंशन स्कीम थी, तो छत्तीसगढ़ अग्रणी उन राज्यों में था जहां ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू हमने किया। पीएमजीएसवाई के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण जो छत्तीसगढ़ ने किया है वो देश में टॉप परफॉर्मेंस में छत्तीसगढ़ रहा।
हमको जो टारगेट दिया था उससे ज्यादा हमने डिलीवर किया और आवश्यकता रही तो हमने लिया, क्योंकि दूसरे राज्य नहीं कर पा रहे थे, फंड्स अवेलेबल थे। उसमें बोनस तक हमको मिले, मेडिकल कॉलेजेस 6 थे, आज 14 के लिए सैंक्शन है, बजटरी सैंक्शन है, 10 ऑलरेडी चालू है, 4 और 200 करोड़ रुपए नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए उपलब्ध करा रखे हैं, नए जिले हम लोगों ने बनाए, नई प्रशासनिक इकाइयां बनाई, नए एसडीएम कार्यालय बनाए, नए तहसील हम लोगों ने खोले, और नए जिलों के खोलने के साथ में अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए तो 6 नए जिलों में मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए राशि उपलब्ध करा दी गई है वहां पर काम। तो काफी उपलब्धियां अगर गिनाने के लिए कहा जाए तो काफी कुछ ये सरकार कह सकती है। कुछ काम रहते हैं जो नहीं हुए, मैं उसको कभी नकारता नहीं हूं, वो उस बात को भी स्वीकारेंगे, लेकिन डिलीवर हमने कहीं ज्यादा करने में, ऐसा मुझे भी लगता है कि अब सोचिए तो कर पाएंगे कि नहीं वाली बात होती कि इतना इतना जो अब हुआ, लेकिन किया सरकार ने किया। तो इस विश्वास के साथ और इस भरोसे के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे कि लोगों का भरपूर साथ फिर से मिलेगा।